नमस्कार दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप अपने मोबाइल की आवाज़ को डबल कर सकते हो और उसको डीजे की तरह बना सकते हो और आपका मोबाइल में जो म्यूजिक चलेगा वो एकदम ऐसा लगेगा जैसे डीजे बज रहा हो और आपको डीजे के जैसा ही महसूस होगा और आपको बहुत ज़्यादा इंजॉय आएगा और मनोरंजन आपका होगा। दोस्तों ये बताने से पहले कि इसके लिए आपको क्या करना है, उससे पहले मैं आपको एक बात और बताता हूँ। देख लीजिए, ऊपर आपके इस तरह से स्क्रीन चलती है, ये देख लीजिए ऊपर स्क्रीन चल रही है आपकी, यहाँ पर मैंने स्क्रीन लिखा हुआ है और नीचे ये मैंने गोल गोल गोला खींच रखा है, इसमें लिखा है सब्सक्राइब। तो दोस्तों आपको इसको टच करके, इसको दबा करके मुझे सब्सक्राइब कर लेना है फ्री में। और दोस्तों इसका आपको कोई नुकसान नहीं है, इसका फ़ायदा ही होगा। आगे तब भी मैं इस तरह की जानकारियाँ आपको देना चाहूँगा, आप तक पहुँचना चाहूँगा, तो आप तक मेरी ये वीडियो आपके मोबाइल में आती रहेगी ऑटोमेटिक और आप मेरी वीडियो को देखकर इस तरह की जानकारियाँ ले सकते हैं फ्री में और मनोरंजन कर सकते हैं। तो आप इस सब्सक्राइब बटन को टच करना मत भूलें और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलें फ्री में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने मोबाइल पर डीजे की तरह आवाज़ कैसे लाओगे और उसकी आवाज़ को कैसे डबल करोगे। दोस्तों इसके लिए आपको अपने प्ले स्टोर में जाना होगा मोबाइल के, और प्ले स्टोर में जाकर आपको यहाँ पर टाइप करना होगा पावर AMP। तो जैसे ही ये टच करके आप सर्च करोगे तो आप यहाँ पर देख लीजिए दो एप्लीकेशन सबसे ऊपर आएगी। पहली एप्लीकेशन है पेड, यानी इसके लिए आपको पैसे देने होंगे, लेकिन ये आपको डाउनलोड नहीं करनी है, मैं आपको फ्री एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके बाद दूसरी एप्लीकेशन है पावर AMP म्यूजिक प्लेयर ट्रायल, तो जिसके सामने ट्रायल लिखा हुआ है ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है और मैं बता देता हूँ इस एप्लीकेशन में क्या सेटिंग करनी है। तो दोस्तों इसको आपको डाउनलोड करके ओपन करना है, और इससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये देख लीजिए यहाँ पर ये साइन बना हुआ है, तो सोच लीजिए कि ये एप्लीकेशन बिल्कुल ट्रस्टेड है, आप इस पर विश्वास कर सकते हो और आपके मोबाइल की हकीकत में ये डबल साउंड कर देगी, डबल आवाज़ बना देगी और डीजे की तरह बना देगी आपका मोबाइल। और दोस्तों देख लीजिए 50 मिलियन लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है, 50 मिलियन लोगों ने दोस्तों। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। दोस्तों इसको ओपन करने के बाद इसमें कुछ सेटिंग आती है इस तरह से, आप यहाँ पर देखते हो ऊपर लिखा रहता है EQU, इक्वलाइजर मतलब है इसका, आप इसको ऑन कर दीजिए टच करके। इसके नीचे टोन है, इसको भी टच करके ऑन कर दीजिए, और जब ये ऑन हो जाएगी तो दोस्तों इसके नीचे लाइन बनी हुई आ जाएगी, ठीक है। और इसके नीचे लिमिट है और लिमिट को भी आप ऑन कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप देखते हो इक्वलाइजर, इक्वलाइजर पर टच करेंगे इसके नीचे लाइन आ जाएगी बनी हुई, और इसके बाद इसको यहाँ से घटा बढ़ा लेंगे, इसको फुल करना है बेस को, आपको बेस आपको फुल रखनी है, ट्रिपल में आपको ये भी फुल रखना है। इसके बाद इधर लिखा रहता है टोन वॉल्यूम, टोन वॉल्यूम में जाना है, और यहाँ से आप जब आप गाना बजाएंगे उसके बाद ये सेटिंग करनी है कि कहाँ पर आपका गाना अच्छी आवाज़ दे रहा है डीजे की तरह, तो आप यहाँ पर उसको सेट कर देंगे। ये सिर्फ एक बार सेट करनी है, उसके बाद जब भी आप गाना बजाओगे डीजे की तरह बजेगा। तो दोस्तों मुझ पर विश्वास करना, मैं टेक्निकल वॉइस में आपको कुछ भी गलत नहीं दिखाता हूँ, और आज भी आपको बिल्कुल ट्रस्टेड एप्लीकेशन के बारे में बताया है, तो उसको यूज़ करके देखना। मैं यहाँ पर आपको गाना बजा के नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन के ख़िलाफ़ है और मेरे पे कॉपीराइट आ सकता है और मेरा चैनल बंद कर देगा यूट्यूब, इसलिए मैं आपको यहाँ पर गाना बजा के नहीं दिखा सकता दोस्तों। तो प्लीज़ आप विश्वास कीजिए और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद यूज़ करके देखना, तो बिल्कुल पक्का 100% आपका मोबाइल डीजे की तरह बजने लगेगा दोस्तों, विश्वास कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अब आपकी जो स्क्रीन के नीचे लाल बटन है उसको दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए फ्री में, और लेते रहिए ऐसी ऐसी जानकारियाँ फ्री में। तो दोस्तों इसके साथ नमस्कार, बाय बाय।